हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ गृह प्रवेश में। तो चलिए, वहाँ पे अभी हम वीडियो शूट करके लाएंगे जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी दीदी के यहाँ। सो फ्रेंड्स, अब आ गए हम अपनी दीदी के यहाँ। ये मेरी बड़ी बहन है और पूजन स्टार्ट हो चुका है। पंडित जी आके पूजन करवा रहे हैं और मेरे दीदी जीजा जी पूजन कर रहे हैं और गणेश पूजा होके फिर हवन होगा। ये मैं उनको दुपट्टा उड़ा रही थी, ऊपर से हमारे यहाँ चुंदरी पहन के बैठते हैं हवन में, इसलिए उनको पीले कलर का ये चुंदरी उड़ाई मैंने। पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए कितने शुभ मौके पर मकान लिया है, जो दीपावली का पूजन साथ साथ हो रहा है। ये धनतेरस के दिन पूजन कराया था और ये बहुत शुभ होता है। इतना अच्छा मकान, बहुत अच्छा है। आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगी पूजन होने के बाद। और देखिए अभी हवन स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पंडित जी हैं, ये पूजन करा रहे हैं। ये बहुत अच्छा हवन कराते हैं। और देखिए ये सारे मंत्र का उच्चारण करके बहुत अच्छा तरह से शुद्धिकरण होता है। और नए घर में जाते हैं तो शुद्धिकरण करके ही जाया जाता है, इसीलिए इसमें हवन कराना ज़रूरी होता है। और देखिए ये हवन स्टार्ट हो गया है, पंडित जी हवन करा रहे हैं। और देखिए ये हवन में सामग्री डाली जा रही है। ये सब लोग आहुति लगाएंगे, ये सारे मंत्र उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है। और ये हवन स्टार्ट हो चुका है। कोई भी नया घर लेते हैं तो उसका शुद्धिकरण कराना ज़रूरी होता है, इसीलिए इसमें हवन कराना ज़रूरी था। और अब हम लोग यहाँ रहने आ जाएंगे। हम लोग शाम को आए थे दीदी के घर से और खाना पीना हम वहीं खा कर आए थे, इसीलिए मैंने सोचा अब दिए, कल दीपावली है इसलिए दिए डेकोरेट कर लेते हैं। ये मैं पेंट कर रही हूँ, थोड़े से मैंने कर रखे थे जो आप लोगों के लिए, साथ मैं थोड़े से बचा के रखे थे, मैंने इनको पेंट करने लग रही। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैंने पिंक अंदर किया है, बाहर में इसकी आउटलाइन पे येलो कलर कर रही हूँ। इसमें दिया जला के बहुत सुंदर लगेगा, मैं आपको शाम को दिखाऊंगी दीपावली को जला के, आप लोग भी देखना और एंजॉय करना। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और भी मैंने इसी तरह से पेंट किया है, ये देखिए येलो कलर में, ये ब्लू कलर कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी मैंने तैयार कर रखा था, ये देखिए ये इसका कलर तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी मैंने ग्रीन लगाया है इसमें। और इसी टाइप से आप लोग दिए तैयार कर सकते हैं अपने मन चाहे, क्योंकि मार्केट में तो कलर होके आते हैं, हम कलर पसंद आए नहीं आए इस वजह से
घर पे लाओ और अपने मनचाहे दियों को डेकोरेट करो। और अब मैं इसमें फेविकॉल से ग्लिटर लगा के इसको और डेकोरेट करूँगी, जो कि ये बहुत सुंदर लगने लगेंगे। ये देखिए, ये भी सादा भी कितने सुंदर लग रहे हैं, और इन पे ग्लिटर लग जाएगा तो बहुत सुंदर लगने लगेगा। ये चमकीले चमकीले रात में रोशनी में दिए की में बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए, मैंने फेविकॉल लगा के इस पे ग्लिटर लगा रही हूँ, और ये और ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे। ये डेकोरेट कर दिया है, और कोई भी चीज़ हुई उसके साथ थोड़ा सा चमकीला या चमकना कुछ लगा देते हैं तो कितना सुंदर लगता है। ये देखिए, मैंने इसमें फेविकॉल लगाया है। ये ब्रश की सहायता से आप लगा सकते हैं जो ठीक लगता है, अगर वैसे लगाएंगे तो इधर उधर फैलेगा, आप ब्रश से लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये हल्का हल्का हम इसको इस पर डस्ट कर लेंगे तो ये इसमें ये चिपकने लगेगा। और ये मैंने सारे दिए इसी तरह से डेकोरेट कर लिए थे, जो कि अब जिस सूख के ये तैयार हो जाएंगे और इसमें जलाने के लिए ये रेडी है। ये देखिए, मैंने सारे दिए तैयार कर लिए हैं। ये वाला भी मैं ग्लिटर लगा लूँगी इस पर। और इन कामों में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब ये मेहनत हमारी सफल हो जाती है और बहुत अपनी मेहनत का बनाया हुआ चीज़ बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए, बाज़ार से तो ला के हम कैसे भी जला सकते हैं, और जो अपनी मेहनत से जलाते हैं बना के, वो कितना अच्छे लगते हैं। ये दिए जला के देखना, जो अपनी मेहनत से होता है काम, वो तो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, हमको देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं कि हाँ जी, लगता है कि हमने ये कितनी अच्छी तरह से तैयार किए हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगे थे, आप लोग भी देखना कितने अच्छे लगेंगे, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये वाला दूसरे डिज़ाइन का था, इसको भी मैंने तैयार किया ग्लिटर लगा के। ये कमल का फूल बना हुआ था दीपक में, बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें भी बहुत सुंदर लग रहा है ग्लिटर लगा के, चमकने लगा था। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का इसको डस्ट कर देंगे, इसमें ये चिपक जाएगा। इसको बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लगेगा। और ये मैंने लाइटें भी लगाई थी वहाँ से आके अपने घर में, बाहर में, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैंने मेरे बच्चों ने हेल्प की थी, से सारी लाइटें लगा ली थी दरवाजे। फ्रेंड्स, आज है दीपावली, आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। और अब मैं इस वीडियो का करने जा रही हूँ एंड, और कल का वीडियो मैं आज पोस्ट करूँगी जो आप लोगों को मिलेगा आज, इसीलिए अब कल का वीडियो भी तैयार करना है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना कल का वीडियो शूट करने। आप लोगों से गुड बाय, हैप्पी दिवाली।